नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर खंडवा से, जहां पर आगामी दिनों में मनाए जाने वाले गुरु पूर्णिमा, ईद उल जुहा एवं कावड़ यात्रा आदि धार्मिक पर्वों को आपसी सद्भावना के साथ मिलजुल कर मनाएं, यह अपील कलेक्टर अनिल द्विवेदी ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से की है। कलेक्टर द्विवेदी ने बैठक में कहा है कि जिले की शांति व्यवस्था बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बैठक में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अपर कलेक्टर श्री एस.एल सिंगाड़े, खंडवा SDM श्रीमती ममता खेड़े सहित विभिन्न अधिकारी व शांति समिति के सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में बताया गया है कि गुरु पूर्णिमा पर लगने वाले भंडारे एवं सावन माह में कांवड़ यात्रा भंडारे को प्रतिबंधित किया गया है। बैठक में कलेक्टर द्विवेदी ने सभी से अनुरोध किया है कि धार्मिक पर्वों को अपने परिवार के साथ घरों पर ही मनाएं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का उल्लंघन ना हो और कोरोना संक्रमण के फैलाव की आशंका भी ना रहे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई विवादास्पद पोस्ट ना करे, ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कहा गया कि ईदगाह पर नमाज के लिए 50 से अधिक व्यक्ति उपस्थित न रहे, इसमें भी कोरोना का ख्याल रखा जाए। कलेक्टर द्विवेदी ने कहा कि कुर्बानी निश्चित जगह पर ही की जाए, वहां पर डॉक्टर लाइट, CCTV कैमरे, पानी एवं सफाई की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी। शहर के वाद विवाद की स्थिति निर्मित न हो, समिति इसका विशेष ध्यान रखे और गलत एवं भड़काऊ जानकारी से सावधान रहे। कोरोना के मद्देनजर गुरु पूर्णिमा पूर्व के संबंध में बताएं कि 21 जुलाई से जिले की सीमाएं सील की जाएगी, जिसमें बाहरी जिले का व्यक्ति जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक सिंह ने बैठक में कहा कि शहर का माहौल खराब करने और शांति व्यवस्थाएं बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है, ऐसा करने वालों से सख्त से निपटा जाएगा। वहीं शांति समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया है कि लाल चौकी रेलवे क्रॉसिंग पर रोड खराब है, उसे दुरुस्त करवाएं। इस पर कलेक्टर द्विवेदी ने आश्वासन दिया है कि सड़क की मरम्मत करा दी जाएगी, साथ ही शहर में पानी सप्लाई एवं बिजली व्यवस्था करा दी जाएगी। खंडवा से भवानी प्रसाद की रिपोर्ट। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।